तो हे गाइस, पीस बी अपॉन यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल प्रधानीज ब्लॉग। तो भैया ने जल्दी सुबह कॉल कर दिया संडे को। संडे राइट में निकलना था, घर के पास ही 5 मिनट दूर, मतलब हमारे घर के पीछे ही जाना था थोड़ा शॉर्ट्स के लिए। तो वही पर थोड़ा दूर निकल गए और आते आते हम लोग निकल गए यहाँ पे रूनी खाता। ये वाला रूनी खाता का रोड है, मैं पहले भी गया था एक बार और आप लोगों को वीडियो भी डाला था, बहुत पहले का है वो, मेरा बहुत दिन के बाद मोटो व्लॉगिंग वीडियो था। तो इसी रोड पे आ चुका हूँ। तो भैया इस साइड जा रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है अभी तक कि हम लोग कहाँ जा रहे थे बिल्कुल, तो जैसे कि अभी फ़िलहाल नहीं पता। तो मैं भी सोच रहा था कहाँ जाएँ। प्लान था हम लोगों का कि मेरे घर के पीछे थोड़ा जगह है, उस साइड जाके हम लोग कुछ शॉर्ट्स, भैया का मतलब कुछ वीडियोस बनाना है, दो वीडियो का काम है, तो उसी वीडियो को लेके हम पीछे बनाते। पर भैया को चलते चलते, मतलब भैया सोच रहे थे, जाते जाते सोचें कि कहाँ जाना है, तो चलते चलते बहुत दूर आ गए। तो ये देखो, ये सब पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, ड्राइंग की तरह है। और पहले भी जब आया था शॉर्ट्स दिया था पर उतना आया नहीं क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में था, तो वही इस बार दिखा रहा हूँ। बहुत छोटा रास्ता है और रिस्की भी है क्योंकि ट्रक वगैरह भी आता है। और ये रहा मैं और भैया, और ये सब शॉर्ट्स अभी फ़िलहाल मैं लेता नहीं ज़्यादातर, क्योंकि क्यों पता है, भैया ने लिया है नया बाइक, जो कि मतलब जिनको पता है पता है, जिनको नहीं पता बता रहा हूँ, भैया ने न्यू KTM एडवेंचर 390 लिया है। तो वही भैया सुपर फास्ट भगा रहे हैं फिलहाल 80-90 के स्पीड में, तो मोबाइल मतलब में कुछ भी निकलता नहीं प्लान ज़्यादा। नहीं है कहाँ जा रहे हैं, और भैया अचानक से बोले मतलब घर से 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के एरिया के दूर के एरिया में जाना था, मतलब घर के पास ही, मेरे घर के पास। वैसे वही मतलब 5 मिनट में चले जाते वहाँ पे। और चलते चलते बाइक में ही बात करते करते डिसीजन प्लान हुआ कि भैया जहाँ भैया को मन है भूटान जाने के लिए, बाद में अभी गैलेंपो आ गए। वही देख सकते हो भैया का बाइक पूरा फुल्ली लोडेड है, और कुछ लोड होने के बाद मैं भी पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा भैया के मतलब मॉडिफिकेशन के बारे में। तो अभी यहाँ पहली बार भी जब भूटान आया था, लगभग 1 साल हो गया होगा, यहाँ पे ही रुके थे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कॉटन का पेड़ है, यही रुके थे, और इस बार भी यही रुक रहे हैं। हाँ यही रुके थे, तूला चारों तरफ तूला था। वही अनप्लान राइड है। और यहाँ से आने के बाद पहले मुझे दिखाई ये वाइट कलर का गेट, जो कि इंडिया का स्टाइल में था, मतलब इंडिया का गेट ही होगा एंट्री करने के लिए। पहले गेट ये वाला गेट आप लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद भूटान का गेट आएगा। और इंडिया और भूटान के गेट के बीच ये वाला एक बीच का मार्केट है, जहाँ पे आप लोगों को मतलब भूटानीज भी दिख जाएंगे, इंडिया के लोग भी दिख जाएंगे वही। और ये वाला मार्केट उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, कम से कम 200 या 400 मीटर का होगा ऐसा ही कुछ। और हम लोगों को यहाँ पे मिला ट्रैफिक, क्योंकि सामने एंट्री होता है भूटान मतलब बॉर्डर में अंदर घुसने के लिए, तो वहाँ थोड़ा ट्रैफिक की वजह से ट्रक आ रहा था, इसीलिए ट्रैफिक हो गया था। मतलब इसी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है हम लोगों का, मतलब इंडिया से बाहर जाने के लिए कुछ चीज़ें अगर भूटान में ले जा रहे हैं और भूटान से कुछ चीज़ें ला रहे हैं, तो इसी गेट से भी बहुत सारे कुछ होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो गया था। और कुछ चूतिया ड्राइवर्स की वजह से भी, क्योंकि साइड में गाड़ी रख के चले जाते हैं कार वगैरह वही। Women. और यहाँ पे उस औरत का कुछ गलती नहीं था, मैंने खुद ही देखा था, वो बाइक बीच में आ गया था कहाँ से, तो मुझे भी पता नहीं, किसी ने बीच में रख दिया था तो इसीलिए ठुक गया। कोई नहीं, हम चलते बनते हैं ट्रैफिक के बीच से वही। और सामने गड्ढा मिल गया, वो देखो, और सामने एक गाड़ी है ना, आप लोगों को दिख रहा है सामने जो कार है, चूतिया पता नहीं कोई बंदा मतलब आके वहीं रुक के मतलब चला गया। देखो साइड में लगा लेता फिर भी चला सकते थे, वहाँ पे साइड था, बाइक के लिए तो गैप था, पर उस कार के वजह से हम लोग। और फाइनली हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद भूटान के अंदर घुस गए। सो वही, ये बहुत ही मतलब अनप्लान्ड हो गया, बहुत ही सडन खतरनाक, जो कि आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, वही बोल रहा था मैं कि मतलब 5 मिनट घर के पीछे ही जाना था और कहाँ आ गए, कुछ मतलब बहुत दूर आ गए। वहीं उतना दूर भी नहीं, हम लोग के घर से कम 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आसपास ही होगा ऐसा ही कुछ। और इस बाइक से तो जल्दी आ गए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो वही थोड़ा भूख भी लगा है, पहले हम लोग कहीं खाने के लिए रुकेंगे और खाना खा के यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, जो कि भैया का काम है वो करके वापस, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और ज़्यादा वीडियोज़ भी मैं लूँगा नहीं। यहाँ पर खाना हो गया हम लोगों का, और वही खाना खा के हम लोग निकल गए पहाड़ की तरफ, क्योंकि जल्दी जाके हम लोग को वीडियो भी शूट करना है दो, जो कि भैया का है काम वही, जो एक वीडियो है ड्रोन का शॉट लेना है और एक
बाइक का मॉडिफिकेशन का भैया के चैनल पे आउट हो चुका होगा, चेक कर सकते हैं। और इसी होटल में हम लोग पिछली बार जब आए थे 1 साल पहले, तब इसी होटल पे खाए थे। और देख सकते हैं सीन बहुत मस्त है। और ये जो सामने ब्रिज है, यहाँ पे ही लोग आके मतलब वैसे जो टूरिस्ट आते हैं यहीं शूट करते हैं फ़ोटो शूट इस जगह पे। वैसे सीज़न के टाइम पे बहुत अच्छा होता है। अभी भी फ़िलहाल अच्छा है, पानी नहीं है नीचे। हम लोग आते वक्त थोड़ा घूमेंगे, पहली बार भी आ चुके हैं वैसे, इतना शॉर्ट लेना नहीं मुझे। वही तो यहाँ पे हम जा रहे हैं और सीन बहुत मस्त है भाई भूटान का, मतलब बोल नहीं सकता। जो नेचुरल ब्यूटी है ना, और जो ट्रेवलिंग का वर्स्ट पार्ट है ये सब भाई एक्सीडेंट। गाड़ी वाला अच्छा ही हो, कुछ ना हुआ हो, मैं दुआ करता हूँ। वही हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे और जल्दी से शॉर्ट लेके वापस। और फाइनली हम लोगों को एक स्पॉट मिला जो कि भैया को पसंद आया कि यहीं शॉट लेंगे भैया। तो वही ये देख सकते हैं, यहाँ का व्यू बहुत मस्त आ रहा था। और नीचे भी जाएंगे, भैया बोल रहे थे कि नीचे वो नदी के किनारे, तो वही यहाँ से भी बहुत मस्त सीन आ रहा था। वो भाई ब्यूटी, भूटान का ब्यूटी भाई अनमैचेबल है, बहुत शानदार, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। देख सकते हैं यहाँ से गिरा तो बॉडी ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। वही नीचे से मतलब मस्त क्या आ रहा है, आवाज़ आ रहा है नदी का, और यहाँ से जो व्यू है और ऐसा है। एक बार आ चुके हैं और ये पार्ट बहुत मस्त दिख रहा है, दिखेगा नहीं कैमरा में, बहुत मस्त दिख रहा है। तो कितना बार आ चुके हैं, ज़्यादा वीडियो मतलब यहाँ का शॉट ज़्यादा लूँगा नहीं मैं, क्योंकि एक बार आ चुके हैं और कितना दिखाएं, और एक दो वीडियो बनाने के लिए आए बस इतना देर। वीडियो बनाते हैं यहाँ, शॉट करते हैं भैया को चाहिए जो। और वहाँ पे जल्दी से वीडियो शॉट करके हम लोग निकल गए घर की तरफ। और घर की तरफ जाके समय हम लोग साइड में एक रास्ता दिखा हम लोगों को, और आप लोगों के पास KTM एडवेंचर 390 हो और आप लोग ऑफ रोडिंग ना करें, तो भैया को थोड़ा चुल मचा और भैया निकल गए ऑफ रोडिंग करने। और यहाँ पे भी बहुत मस्त सीन आ रहा था, मतलब साइड में चारों तरफ पहाड़ और मतलब कुछ पेड़ पौधे नहीं है, अच्छा लग रहा था थोड़ा बहुत। यहाँ पे भी ये जो सीन है बहुत मस्त लगा मुझे, ये देखिए इस साइड वगैरह। और यहाँ पे सूरज जो डूब रहा था ना भाई, मस्त नज़ारा, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ही मेस्मराइजिंग था, बहुत ही शानदार। और ये पार्ट आप लोग सकते हैं, यहाँ पे देखो सूर्य, और यहाँ पे देखो एक बार आवाज सुनो अच्छे से। एकदम मेस्मराइजिंग आवाज, मतलब बोल नहीं सकते। देख सकते हो इतना साफ पानी है भाई, एकदम एक एक पत्थर दिखाई दे रहा है। A few inches later. तो गाइस वही घर से कहाँ 5 मिनट दूर निकलना था और चले आए भूटान, वो सिर्फ 2 वीडियो के लिए। बस भैया का ये जो लगेज ये सब देख रहे हैं ना, जो मॉडिफिकेशन करवाया है यही, इसी का वीडियो बनाने के लिए भैया यहाँ तक आ गए। तो वही तो ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं मैंने भूटान का, क्योंकि अगर वो भूटान का कुछ देखना है तो भूटान वाले ब्लॉग में जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।